हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर बात करते हैं आज जो मैच खेला जाएगा मोमेंटम कप का वॉरियर्स और नाइट्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, वीडियो को बिना स्किप करे सुनना, आप ही के काम आएगा। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पर ग्रैंड लीग या हेड टू हेड लीग आप यहाँ इजिली वॉन कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर टीम की। उससे पहले पिच रिपोर्ट की बात करें, ईस्ट लंदन में मैच खेला जाएगा। यहाँ का जो स्कोरिंग ग्राउंड है मैक्सिमम यहाँ पर जो एवरेज है यहाँ पर 225 के एवरेज स्कोर है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे पिच है, यानी टोटल यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पर अगर मे बी यहाँ पर कोई टीम ऑल आउट जिस अगर हो सके दोनों तरफ से 16 से 17 विकेट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से एक टीम बनानी है। मैं आपकी हेल्प करूँगा एक हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग बनाने में। बातों को ध्यान से सुनना और खुद से ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट करना। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर वोन कर जाओगे। चलिए बात करते हैं टीम की। उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए, विकेट कीपर में एक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वेंडी यहाँ पे थोड़ा डाउन आते हैं खेलने के लिए। रूडी सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग भी कराते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बैट्समैन में। बैट्समैन जो मुझे हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए बेस्ट लग रहे हैं वो मैं यहाँ पर बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा। बाकी और आप कोशिश करना कि खुद से ग्रैंड लीग की टीम यहाँ पर क्रिएट करना, बस बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। मार्कस मैरिस मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेंगे हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए। इनका खेलना नहीं खेलना कोई कन्फर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पीटर मोर खेलने वाले हैं, किगन खेलने वाले हैं, उसके बाद गॉस खेलने वाले हैं, और यहाँ पर और किसी का अभी तक खेलने का खेलना नहीं खेलना कोई कन्फर्म नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश करना यहाँ पर इन्हीं में से हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए मेरे हिसाब से ट्राई करना। जैसे यहाँ पर पीटर एडवर्ड मोर है सबसे बेस्ट ऑप्शन, किगन पीटरसन है, लास्ट मैच में जीरो पगे हैं और जीरो वाला हीरो बनाता है, वन डाउन प्लेयर है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करके हमें दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर यासीन बिल्ले को रखा हुआ है क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं, जिस हिसाब से पीछे उस हिसाब से डाउन आएंगे खेलने के लिए, मतलब 3 से 4 विकेट गिरने के बाद आएंगे प्लस बॉलिंग करेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर यासीन बिल्ले को रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में प्लेयर कुछ खास है नहीं आपके पास, बट क्या करें, कुछ ना कुछ तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास सबसे बेस्ट अवेलेबल है, नक्यू हैं और उसके बाद यहाँ पर पिनार हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को रखा हुआ अपनी अपनी टीम में। उसके बाद और कोई खास ऑप्शन यहाँ पर बसता नहीं है आपके लिए हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए। साइमन है, अगर इनको रखना चाहते हो रख सकते हो। आई थिंक ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग या वन डाउन आने वाले हैं, तो अगर इनको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे इनके साथ जा रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बॉलर्स में। बॉलर सेशन आपका मेन रहने वाला है, जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से यहाँ पे बॉलिंग में ज़्यादा फोकस करना और ऑलराउंडर में बॉलिंग में ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, ताकि आपकी टीम एच टू एट थ्री मेंबर के लिए बेस्ट यहाँ पर बन सके। चलिए बॉलर्स में, उससे पहले यार फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपको हमारी अपडेटेड टीम्स वगैरह मिल सके। दूसरी चीज़, अगर आप लोग बैट बॉल लोन पर खेलना चाहते हो, ट्रस्टेड ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही में रेफर कोड मिलेगा, तो प्लीज़ रेफर कोड जरूर यूज कर लेना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बॉलर्स में। बॉलर्स में एंडू बर्च को रखा हुआ और सॉन वॉन वर्क को रखा हुआ, दोनों को तो मस्ट आपको रखना ही है अपनी टीम में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आप मिस करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेन बॉलर से दोनों के दोनों। उसके बाद मंगाला यहाँ पर मे भी खेलने वाले हैं, उसके बाद सैंडली खेलने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर और कोई ऑप्शन है नहीं। कॉन्ड्राई खेलने वाले हैं, सिम्पाम्बला खेलने वाले हैं, डेलन खेलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, बट जो मुझे बेस्ट लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको हेड टू हेड थ्री में यहाँ पे लेके दे रहा हूँ, ठीक है। सिम्पाम्बला को रखा हुआ, काफ़ी अच्छा बॉलर है। और एक चीज़ फ्रेंड, यहाँ पर कोशिश करना, यहाँ पर जो है जो पिच है वो पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है यहाँ पे, तो पेसर्स आप लेने की कोशिश ज़्यादा करोगे तो एक या दो स्पिनर रख लेना, बाकी यहाँ पे पेसर्स को ट्राई करना, ताकि आपकी टीम में अच्छा खासा यहाँ पे वॉन हो सके, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है, ऐसे मेरे हिसाब से पिच रिपोर्ट के हिसाब से, बाकी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बुढ़ाजा को रखा हुआ है, बुढ़ाजा जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पर और कोई खास ऑप्शन बचता नहीं है, केवल दो ऑप्शन हैं आपके पास, अब दोनों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों बेस्ट ऑप्शन है और अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हो सकता है आप इन दोनों को रख लो, बट इनकी जगह किसी और को बाहर करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टैट है और यहाँ पे नटली है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मैं नटली को ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टैट को आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, बट उसके लिए आपको यहाँ पर बुढ़ाजा या फिर जो है लुथो से मामला किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा, उसी सिचुएशन में आप यहाँ पे इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर की टीम। बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो प्लीज़ वीडियो को आगे देखते रहना। और ग्रैंड लीग के लिए भी यहाँ पर ट्राई करूँगा मैं आपको ग्रैंड लीग के लिए भी कैप्टन वाइस कैप्टन बताने की, तो प्लीज़ आप फॉलो करोगे थोड़ा सा तो अच्छा खासा वोन कर जाएगा। और कोशिश करना इस मैच में किसी बॉलर को ही कैप्टन बनाने की ग्रैंड लीग में, ठीक है, वो हो सकता है 4 से 5 विकेट ले जाए और आपको जो है वन साइडेड वोन करा दे। चलिए
अब बात करते हैं कैप्टन की, हेड टू हेड थ्री में मलिक के लिए रूडी सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, स्पेशली तब जब इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तब तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खेलने के लिए भी बैटिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, प्लस यहाँ पे बॉलिंग भी अपनी ओवर चार से पाँच या छः सात ओवर करते हैं। ठीक है, वाइस कैप्टन में यहाँ पर मेरा पीटर मोर का नाम क्यों आ जाता बार बार, एडवर्ड मोर ही रहने वाले, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बैटिंग तो कर ही लेते हैं अब तक की इनने जितने भी मैचों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एडवर्ड मोर को थोड़ा वाइस कैप्टन ट्राई कर रहा हूँ कैप्टन में रूडी सेकंड के साथ। अब आपको ग्रैंड लीग के लिए बता दूँ, ग्रैंड लीग के लिए आपको कैप्टन जो है यहाँ से नीचे बॉलर्स में जैसे एंड्रयू बर्च हैं, सोनमन बर्ग हैं, नटुली हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो आप इनको अगर ट्राई करोगे ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन तो मे बी आपकी टीम थोड़ा रैंक कर जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इन पे कम लोगों का ध्यान देने वाला परसेंटेज आप देखोगे तो इनकी काफ़ी कम परसेंटेज, क्योंकि किसी मैच में परफॉर्म नहीं किया है, तो आप इनको रख लीजिए अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, हो सकता है आपका अच्छा खासा यहाँ पे वोन करा दे। बाकी यहाँ पे और कोई खास ऑप्शन तो बचता नहीं है ग्रैंड लीग के लिए भी, और ना ही बाकी गॉस हैं, इनको अगर रखना चाहते हो ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हो, हेडटू हेड, क्योंकि इनका डाउन तो काफ़ी अच्छा है बट ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यही एक रीज़न है इनको ना रखने का। ठीक है, और कोई यहाँ पर रीज़न बनता नहीं है। बाकी बॉलर्स में से मैंने आपको बॉलर सारे बता ही दिए कि कौन कौन से यहाँ पे खेलने वाले हैं, तो इनको ट्राई कर लीजिएगा, आप ग्रैंड लीग में अच्छा खासा पे वॉन कर जाओगे। तो चलिए फ्रेंड, ये थी हमारी टीम हेड टू हेड थ्री में मलिक की टीम, अगर आपको लगता हो आप इस टीम से वॉन कर सकते हो तभी इस टीम से जाना, अदरवाइज एक या दो चेंजेस कर लेना प्लेइंग लाइन आने के बाद। बाकी फ्रेंड बैट बॉल 11 खेलना चाहते हो, काफ़ी अच्छी ऐप है, ट्रस्टेड ऐप है, मैं खुद अपना इन्वेस्टमेंट यहीं पर रखता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही में रेफर कोड मिलेगा, तो अपनी रेफर कोड जरूर यूज करना। और फ्रेंड यार आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देगा, हमारी मेहनत आपके लाइक से पता चलती है। तो चलिए फ्रेंड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।